विजय राघवन से विधायक संजय पाठक चुनाव लड़े या ना लड़े, इसके लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब 25 अगस्त को मतगणना में अगर 50% लोगों ने संजय पाठक के समर्थन में वोट दिया होगा तभी वे चुनाव लड़ेंगे। विधायक संजय पाठक ने 21 अगस्त को ऐलान किया था कि वो जनता के बीच आम चुनाव से पहले जाकर विश्वास मांगेंगे। इस जनादेश के लिए विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधिवत वोट किया। संजय पाठक ने 50% से एक भी वोट कम होने पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। वोटिंग के बाद 25 अगस्त को इस जनादेश का फैसला आएगा। कैमरे के सामने मत पेटियां खुलेंगी और मतगणना होगी। विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए खुद पूरा क्षेत्र का निरीक्षण किया। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजनीति की एक नई प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां जनता ने 5 दिवसीय परीक्षण के दौरान अपने विधायक को विश्वास मत दिया। ये सब जानते हैं, जानने के बाद भी मेरे मन में आया कि मैंने जीवन में अगर तुम्हारी सेवा की है, बूढ़ी माँ की सेवा की है, बच्चों को स्कूल बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, इसकी बिटिया की शादी में मदद की है, इसके भाई का इलाज कराया है, तो मैं भी अपना मूल्यांकन करूं कि लोग, घर परिवार, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एक 10वीं क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास की बिटिया हो, वो साल भर मेहनत करती तो उसके बाद परीक्षा देने जाती है, तो वो पूरी मेहनत करके जाती है, वो सोचती कि मैंने साल भर में बहुत अच्छा पढ़ा है तो मैं फर्स्ट डिवीजन पास होंगी, 80% 90% नंबर लाऊंगी। तो जब बच्चा भी परीक्षा देने जाता है तो स्वयं मैं क्यों ना अपने जीवन की, अपनी स्वयं की परीक्षा लूं कि मैं जो कर रहा हूं तो अपना मूल्यांकन करूं कि मैं जो कर रहा हूं लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले कि यार बेकार आदमी है, ये आदमी योग्य नहीं है, ये आदमी परिवार की सेवा करने के लायक नहीं, ये बुजुर्गों की सेवा करने योग्य नहीं, ये नौजवानों के भविष्य का राह दिखाने के योग्य नहीं, ये विधायक बनने के योग्य नहीं। तो ये जानकारी, ये परीक्षण, ये जांच, ये स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अपने जीवन के राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा दिया। मैंने बोला कि जब मैं आपको परिवार मानता हूं और अपने आप को प्रधान सेवक मानता हूं और इतने साल से जब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो अगर मैंने अगर अपने परिवार के आधा हिस्सा यानी 50% लोगों तक का दिल नहीं जीता, तो फिर ऐसा दल से चुनाव लड़के जीतने का क्या मतलब जब हम आपका दिल नहीं जीते। इसलिए मैंने बोला कि 50% से अगर एक वोट कम मिलेगी, जय हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा बोल रहा, तुम्हारा भाई बोल रहा, संजय पाठक हनुमान जी की सौगंध खा के, अगर 50% से एक वोट कम मिली तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव लड़े तुम्हारी सेवा करूंगा जीवन भर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्वरंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।